अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे मैथ्स का लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने क्या डिस्कस किया था, हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया जाता है और उसको कम से कम फैक्टराइज करके उसका रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, हम ये सीखेंगे बेटा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए सॉल्व किया जाता है। अच्छा, आपको ये बात बताता चलूं मैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। एक जो हमारा तरीका है वो है फैक्टराइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हम देख चुके हैं, जो कि हम कर चुके हैं, जिसमें हमने मिड टर्म ब्रेक मालूम की थी और उस तरह से हमने फैक्टराइज बनाए थे, फैक्टर्स बनाए थे। दूसरा तरीका क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा तरीका क्या है बेटा, फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम जिसकी मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में सीखेंगे। आप अपनी बुक में सवाल देख सकते हैं, ये मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो बेटा पार्ट 1 में सवाल देखें, 7x² प्लस 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0, -1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको सवाल देख के क्या ऐसा लग रहा है, पहले तो आप सवाल को देख लें अच्छी तरह, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसको हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं? देखिए सॉल्व तो हम कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं। चूंकि यहां पर हमें सवाल में गिवन है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, इस वजह से मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, समझ में आ गई बात। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह से, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह से होगा? तो सबसे पहला रूल बेटा इसका, सबसे पहला रूल ये है कि आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, सबसे पहला रूल बता रहा हूं बेटा, सब सुनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का कंप्लीटिंग स्क्वायर से सबसे पहला तरीका है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। लिख के बता रहा हूं कैसे करना है। डिवाइडिंग बाय 7। क्यों सर आपने 7 क्यों लिया? तो बच्चों 7 मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 था। अच्छा अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 77 होता तो 77 से डिवाइड करता पूरी इक्वेशन को, ठीक है। अच्छा ये डिवाइड जो 7 कर रहा है ये पूरी इक्वेशन को कर रहा है, आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 7, समझ में आ गई बात। अच्छा यहां पर 1 होता तो क्या करते हैं सर? तो बेटा आप डिवाइड नहीं करते क्योंकि 1 डिवाइड किसी भी नंबर से डिवाइड अगर 1 करेंगे तो बात एक ही है, उसे हम डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो अब डिवाइड जब हमने किया तो क्या होता है, मैं पहले पूरा सवाल एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपको बात समझ में आ जाए। अच्छा पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना था 7 से, तो ठीक है पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते 7 से, कितना आसान हो गया, ठीक है पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते 7 से। सर आपने बताया था कि डिवाइड पहला स्टेप क्या है, डिवाइड करने है किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो हुआ क्या
कट, मेरे पास यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस टू और 1/7 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बाकी छोड़ो पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आपको, सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। 0/7 जीरो होता है। अब तक आपने क्या सीखा? अब तक आपने सीखा सिर्फ पहला स्टेप, जो कि क्या था, जो कि डिवाइड करने का था, आपने सिर्फ डिवाइड किया है उसको। समझ में आ गई बात? आप ये भी लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7, ठीक है। क्या करने के लिए हम ये डिवाइड करते हैं, ठीक है, हम ये डिवाइड इस वजह से करते हैं टू मेक कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ताकि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को 1 कर सकें। और अगर 1 होता है तो मोस्ट अच्छी बात है, मतलब उसको थैंक यू बोले कि आपने 1 दे दिया, आसानी कर दी हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? तो बेटा अब सिर्फ हमने ये करना है कि हमने कॉन्स्टेंट को शिफ्ट करना है। ये दूसरे स्टेप की बात कर रहा हूं, ये पहला स्टेप था, अब दूसरा स्टेप शिफ्टिंग कॉन्स्टेंट टू द राइट साइड, टू द राइट साइड। सेकेंड स्टेप है, ठीक है, यहां पे लिख लो डिवाइडिंग ईच टर्म, हर टर्म को डिवाइड करना है बाय बाय कोफिशियंट ऑफ 7, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात? बहुत आसान हो गया, मैंने हर वर्डिंग आपके सामने लिख दी, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कोफिशियंट ऑफ 7। अब कोई भी सवाल हो, ठीक है, पहले सवाल पे आपने हमेशा गौर करना है, पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप शिफ्टिंग, जब आपने डिवाइड कर दिया अब क्या करना है, शिफ्टिंग कांस्टेंट टू द राइट साइड पे कांस्टेंट को भेज दूंगा। अच्छा बेटा, इसमें आप देखें कांस्टेंट टर्म क्या है, क्या ये कांस्टेंट है? नहीं। क्या ये कांस्टेंट है? नहीं। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि इनके साथ एक्स है। ये कांस्टेंट है? हाँ ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? इसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो बेटा देखें, हमने सिर्फ काम क्या किया, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2/7 एक्स इजिकल्स टू -1/7, वहां जाकर +1/7। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इजीली, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आगे देखें, अच्छा कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपने ये देखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब, आपने एक फॉर्मूला अपनी जिंदगी में पढ़ा हुआ है पहले, आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, तो बेटा 9 में 8 में 7 में आप एक फॉर्मूले से गुजरते हुए आते हैं, जो कि क्या है, a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आप लोग पढ़ते हैं? जी बिल्कुल पढ़ते हैं, इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम जो यहाँ पे जो पूरा काम कर रहे हैं ना, इस पूरा सवाल सॉल्व कर रहे हैं, इन दी एंड हमें ये चीज चाहिए, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपके सामने कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाएगा कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब क्या है, अब की बार, अब ये है कि आपने क्या कराना है, दोनों साइड पे ऐड कराना है। पहले तो इसको देखो, x² + 2/7x में जो भी, मतलब यहाँ टर्म बच गई, मेरे पास अभी क्या है, 2/7x है, तो बेटा इसमें से हमें 2 बाहर करना होता है, ठीक है। तो बात को समझना कि हमारे पास, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, a+b का होल स्क्वायर, तो आपने इसमें पढ़ा हुआ है a² + 2ab + b²। तो बच्चों आप लोग, ये लोग पढ़ ये साला फॉर्मूला पढ़ के आते हो, इस फॉर्मूले में क्या है आपके पास,
इस फॉर्मूले में ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी। ठीक है, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर आपके पास बन गया। अब क्या है, टू ए बी। ठीक है, तो टू आपके पास है, आप बोलेंगे हाँ हमारे पास टू पड़ा हुआ है, और क्या है एक्स, एक्स क्या था ए है, लेकिन बी नहीं है, बी हम बनाते हैं खुद। कैसे बनाते हैं, अब आए मैं बताता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर सेम ऐसा ही है, प्लस टू हमने बाहर खींचा, टू वहीं पड़ा हुआ है, एक्स अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, और बच क्या गया हमारे पास। अब देखिए इसमें बच क्या गया, बच गया 1/7। तो बेटा गौर से देख, इसमें हमारे पास बच गया 1/7, टू हमारा यूज हो गया, एक्स यूज हो गया, बी बच गया। ठीक है बेटा, यहां गौर से देखें, जब यहां तक आ गए हो जब, तो आगे देखो आगे क्या हो रहा है। आपके पास ये मैंने अलग कर दिया, अब मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं, एक स्टेप आपके पास और बढ़ेगा। ठीक है बेटा, एक स्टेप आपके पास और बढ़ेगा। अच्छा, वो स्टेप कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर नहीं, अब मैं वर्डिंग लिख लूं। आपको ये बात पता है कि टू ए बी होता है, आपके पास टू है, आपके पास ए है, ए ये होता है जो ए स्क्वायर आगे लिखा हुआ है, ए है मतलब मैं उसको वहां ए पढ़ रहा हूं, तो यहाँ एक्स होगा। समझ में आ रही बात, एक्स है, एक्स है, ये जो टर्म है ना बेटा ये बी है, और हमें बी स्क्वायर चाहिए यहाँ पर, यहाँ चाहिए, हम डालेंगे खुद से, यहाँ बी स्क्वायर चाहिए, हमारे पास बी मौजूद है, तो हमने क्या करना है बेटा, एडिंग 1/7 का होल स्क्वायर, यही चाहिए ना हमें, बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर चाहिए, तो एडिंग 1/7 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जाहिर है इस जगह तो डाल नहीं सकते, मेहनत ही खराब हो जाएगी पूरी, हमने दोनों तरफ डालना पड़ेगा। तो बेटा देखिए दोनों तरफ डालने में होता क्या है, एक्स स्क्वायर मेरे साथ साथ रहिएगा, कोई सवाल हो तो बेटा पूछिएगा, एक्स 1/7 ये सेम ऐसे ही आ गया, अब ऐड करना है ये, तो प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 1/7, यहां पर ये ऐसे ही आ गया। अब 1/7 का होल स्क्वायर बोथ साइड पे था ना बेटा, तो दोनों तरफ हमने ये ऐड करवा दिया। पूरी क्वेश्चन देखें सेम थी, पूरी क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ये चीज ऐड की है हमने। क्लियर, अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स 1/7 प्लस 1/7 का एक्स स्क्वायर। अब आपको इस चीज को देखकर ये समझ में आ रही होगी कि मेरा फॉर्मूला ये बन रहा है, ये पूरी चीज बन रही है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या करना है, हमें फॉर्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में, हमें वो फॉर्मूला छोटा है ये लिख देना है, ये साइड गिवेन है, ये साइड लिखनी है। अब देखें क्या होगा, एक्स प्लस की साइन है, मतलब प्लस का फॉर्मूला है, प्लस का फॉर्मूला है 1/7 का होल स्क्वायर, ये बात समझ में आ गई। बोर्ड पे देखेंगे, यहां गौर से देखेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला एक्सटेंड था, हमने उसको कंप्रेस करके लिख दिया, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है ये फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू यहां पर क्या हुआ 1/7 1/7 प्लस प्लस स्क्वायर, जब 1/7 पे गिरेगा तो क्या होगा 1/7 7 7 49। समझ में आ गई बात, कोई सवाल हो किसी बच्चे का तो वो पूछेगा चैट बॉक्स में। अच्छा आपकी बार क्या हो रहा है, 1/7 प्लस 1/49, इनका 7/49 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 49 ही आएगा। ठीक है, और 49 आएगा तो कैसे आएगा, एक्स 1/7 का होल स्क्वायर 49 एलसीएम है, यहां मल्टीप्लाई हुआ किससे, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन मल्टीप्लाइड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय वन, ये वही तरीका है जो आप बचपन में करते थे, लेकिन अगर आपको वो तरीका समझ में आता है जैसा मैंने आपको सेकंड लेक्चर में समझाया था तो वो भी सही तरीका है। खैर इससे कर लेते तो 7 + 1/49 आएगा, यही होगा ठीक है। अच्छा ये हो जाने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, 7 + 1 8, 8/49। यहां तक साथ साथ है, हर बच्चा साथ है। अच्छा ये चीज अगर गिच-पिच लग रही है तो मैं इसको वाजे तौर पे लिख देता हूँ, प्लस की साइन थी, मैं ब्लैक से मेंशन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय सेवन मल्टीप्लाइड बाय सेवन मल्टीप्लाइड बाय सेवन वन सॉरी वन मल्टीप्लाइड बाय वन। अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का जो मेथड है जो आगे का सॉल्यूशन है, पहले तो मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, एक्स प्लस वन अपॉन सेवन। अच्छा ये क्या बन गया, 7 + 1 8 और 49 स्क्वायर है यहाँ पर। बेटा जिस तरह से ये चीज देख लेना, ये चीज आप लोगों के लिए शायद नहीं है या कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी भी, तो जिस तरह से एक चीज प्लस में वहां जा इसी कसों के बाद जाके माइनस हो जाती है और कोई चीज माइनस में वहां जाके प्लस हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ स्क्वायर की साइन है, स्क्वायर की साइन जब वहां जाती है तो वो रूट बन जाती है। और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता आपको तो बेटा रूट ऑन बोथ साइड यहां पर आपने मेंशन करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे ही रूट बोथ साइड पे करेंगे बेटा यहां रूट आ जाएगा यहां रूट आ जाएगा ठीक है, और ये अपना स्क्वायर ये रूट स्क्वायर कट जाएंगे ठीक है। तो क्या बच जाएगा, मैं फर्दर सॉल्यूशन जो है ऊपर कर रहा हूं ठीक है, फर्दर सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं, देखना जरा आपके पास सॉल्यूशन बच जाएगा क्या, एक्स प्लस वन अपॉन सेवन इक्वल्स टू रूट में 8/49 8/49 ठीक है बेटा। अच्छा जब रूट इस तरह से आता है ना तो आपके पास दो साइन आती है, कौन सी, प्लस माइनस। जब भी रूट आपके पास आएगा आपके पास दो साइन आएंगी प्लस माइनस की ठीक है। अभी तक सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी एक्स की वैल्यू नहीं आई, एक्स की वैल्यू आनी है अभी। अब आपने क्या काम करना है बेटा, एक्स यहीं पर है, यहां क्या हुआ रूट 8 के ऊपर आया, कुछ हो सकता है, 8 का रूट तो होता ही नहीं है, लेकिन रूट 49 पर ही है, क्या 49 का रूट होता है, तो बेटा हाँ 49 का रूट होता है, 49 का रूट होता है 7। तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्लस माइनस रूट 8/7। ये मैंने ये चीज सॉल्व की है, अब प्लस 1/7 वहां जाएगा माइनस 1/7 बन जाएगा ठीक है बेटा। तो गौर से देखेंगे -1/7 हो गया ये। और अब आपके पास एक छोटा सा आपने काम और करना है, एक स्टेप और करना है, x इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 8 माइनस 1, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे, ये हो गया हमारा x का आंसर ठीक है। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर आंसर दो किस्म के आए, प्लस माइनस का साइन तो कभी दोनों एक साथ आए नहीं, हमने देखा ही नहीं कभी जिंदगी में, लेकिन यहाँ पर आए, क्यों आए बेटे, ये जो इक्वेशन है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है बेटे, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही सॉल्यूशन बनेंगे। इस वक्त 2 हाईएस्ट पावर है तो सॉल्यूशन 2 बनेंगे, सॉल्यूशन सेट 2 बनेंगे हमारे पास। अगर पावर 1 होती है इसका मतलब लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन का आंसर हमेशा 1 निकलता है, पावर 3 होती तो सॉल्यूशन सेट में आंसर 3 निकलते हैं हमारे पास, यहाँ पर 2 थे तो हमारे पास आंसर 2 निकले ठीक है। तो एक प्लस के साथ होगा एक माइनस के साथ होगा, मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, एक एक्स का आंसर जो आया है वो प्लस के साथ है ये, और एक एक्स का आंसर जो आया है वो माइनस के साथ है ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये
इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और उस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों की बात एक ही है, ठीक है। या अगर आपको सॉल्यूशन सेट ही बनाना हो तो आप ये बना सकते हैं, सॉल्यूशन सेट एक प्लस में और एक माइनस में, ये भी आप काम कर सकते हैं। वो अक्सर एमसीक्यूज बेस में भी पूछ सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट क्या होते हैं, तो ये खैर इतने बड़े सवाल के तो एमसीक्यूज नहीं आता, लेकिन एमसीक्यूज पूछ सकते सॉल्यूशन सेट इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, 8 का रूट जो है वो इस तरह से भी लिखते हैं, 8 का जो रूट है वो इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी बुक के पीछे या कोई आपको ये आंसर बताए कि हमारे पास तो आंसर कुछ इस तरह का आ रहा है, तो बेटा हाँ इस तरह से भी आंसर आ सकता है, क्योंकि जो 8 का रूट है, रूट 8 जो है उसको हम 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 भी लिखते हैं। तो ये नोट डाउन करेंगे, अगर आप कैलकुलेटर में भी डाल के देखेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में रूट 8, तो उसका आंसर भी हो 2 रूट 2 दिखाएगा या पॉइंट्स में देगा, ठीक है बेटा। तो इसमें परेशान मत होना कि हमारे पास आंसर ये आ रहा है, सर का आंसर ये आ रहा है, क्या सर का गलत हो सकता है या हमारा गलत हो सकता है, तो बेटा ये बात सेम है दोनों की, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, या कॉपी डाउन करना नोट डाउन करना चाहते हैं अपने पास तो वो कर लें। अगले सवाल पे मूव करूंगा मैं, टाइम क्योंकि क्लास का कम होता है हमारे पास। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई सवाल नहीं किसी का, मतलब आसान लग रहा है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहा हूं। फोर ए स्क्वायर प्लस सॉरी 4 ए स्क्वायर नहीं है, वो अगला सवाल में देख रहा था, ये सवाल है ax² + 4x माइनस a = 0। तो बेटा इस सवाल को देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सवाल में a है और x है, मतलब दो वेरिएबल है, तो बेटा ये दो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल इसमें एक ही है जो कि x है, जो कि x है, ठीक है। कांस्टेंट इसमें है a, ठीक है, कांस्टेंट a है और x का कोफिशियंट a है। इसमें आप देख लें जरा, ये भी उसी इक्वेशन की तरह है या नहीं, जैसे आप पहले का मैंने बताया था।
ठीक है तो देख लिया बेटा आप लोगों ने। बहुत आसान सी बात है, मैंने सबसे पहला स्टेप बताया था डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा मैं स्टेप्स मेंशन नहीं कर रहा, स्टेप्स मैंने आपको पहले सवाल में बता दिए सारे स्टेप्स। पहले आपने डिवाइड करना होता है, ठीक है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होता है किससे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। उसके बाद आपने कांस्टेंट को शिफ्ट करना होता है राइट साइड की तरफ, देन आपने गेम करना होता है मिडिल टर्म का। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना होता है, टू बाहर निकालना होता है, ए अलग करना होता है, बी अलग करना होता है। देन फोर्थ स्टेप में आपने बी स्क्वायर करना होता है, बी स्क्वायर को ऐड करना होता है बोथ साइड पर। और उसके बाद आपने आपका क्या स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है आपने स्क्वायर रूट को शिफ्ट करना है और आपके पास रिजल्ट आएगा फिफ्थ स्टेप में। तो देखें इसमें मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, पहले पूरी इक्वेशन को ऐसे ही लिख दो, लिख दिया। अब डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो डिवाइड बाय ए, डिवाइड बाय ए। तो जैसे ही डिवाइड बाय ए करेंगे तो क्या होगा, ए कट गए, ए ए कट गए, हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय 0, 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप में था वन जो है कांस्टेंट जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। उसके बाद वाला बेटा देखो क्या होगा, उसके बाद होगा मिडिल टर्म का गेन। क्या गेन, मैंने बोला था टू अलग करना है, ए अलग करना है, बी अलग करना है। तो बेटा फोर में से क्या हम टू को अलग कर सकते हैं, जल्दी से देखें क्या फोर को अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं, टू टू द फोर, तो टू अलग, एक्स अलग और टू अलग। यहां तक बात क्लियर है, टू तो निकालना है कुछ भी हो जाए, टू की जगह कोई नंबर नहीं लिख सकते, एक्स तो लगा हुआ है यहाँ पे साथ में, एक्स लिख दिया जो कि यहाँ पर ए है। अब जो नंबर बचता है क्या पता यहाँ पे एट होता तो टू फोर से अलग करते हम, ठीक है। तो जो भी बच जाएगा वो यहाँ आएगा जिसको हम बी का नाम देंगे, ठीक है। जो भी टू को खींचने से जो बच गया उसको हम बी का नाम देंगे। यहां तक बात क्लियर है बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बाय ए, ठीक है। और यहां भी लिख सकते हो शिफ्टिंग द कांस्टेंट, शिफ्टिंग अ कांस्टेंट, शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने बताया था जो भी बी आ जाए बी स्क्वायर को ऐड करने दोनों तरफ, तो एडिंग टू स्क्वायर, बी स्क्वायर ना, तो बी हमारे पास क्या है, टू, टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टू इजिकल्स टू वन, ये तो पूरी इक्वेशन लिख दी मैंने, दोनों तरफ क्या ऐड कराना था, टू स्क्वायर, टू स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स टू प्लस टू का स्क्वायर, इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया फॉर्मूला, लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया। हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमने इसको लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो यहां से ए उठाएंगे, यहां से बी उठाएंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या मतलब, यहां से एक्स उठाएंगे, यहां से टू स्क्वायर उठाएंगे और होल स्क्वायर बना देंगे। तो देखें ये एक्स उठाया, साइन किसकी होगी, प्लस की, प्लस बी उठाया, बी क्या था, टू था, दोनों का होल स्क्वायर बनाया। यहां पे क्या हो रहा है, वन प्लस टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर क्या बेटा, टू का स्क्वायर है फोर, ठीक है।
अब देखें जरा, अच्छा ये स्टेप दोबारा बता देता हूँ मैडम है कि 2 का स्क्वायर मैंने ये क्यों ऐड किया है। हमारे पास था 4x, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए गौर से देखना, हमें फॉर्मूले में चाहिए 2ab। 4x को हमने आंखें बंद कर लिया, यहाँ पे जो भी है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमारा काम ये बेटा हमने इसमें से 2 को अलग कर देना है। अगर 2 नहीं है तो 2 डालेंगे जबरदस्ती है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में 2 है। बात तो समझा, अब 4 में से 2 निकल सकता था, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि 4 में से 2 निकल सकता है, तो हमने क्या किया, 4 के 2 टुकड़े किए, 2 2 2 मतलब 2 4 होता है, 2 2 बाद एक ही है, 2 2 x, ठीक है। हमें 2 निकालना था, वो निकल गया, 2 की जगह आ गया 2, ठीक है। अब x क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है हमें 2ab, तो सबसे पहले 2 तो मेंशन है तो 2 हमने डालना था। उसके बाद वो बोलता है ए लिखो, तो ए हमने देखा बराबर में 1 है, तो बेटा ए तो एक्स था, मैंने बराबर में एक्स लिख दिया क्योंकि ऊपर भी एक्स है, ठीक है। 2a, अब बोल रहा है बी, तो बी वो नंबर होगा जो 2 और ए को निकालने के बाद जो बच गया नंबर। लेट सपोज हमारे पास होता 16x, यहाँ पर होता हमारे पास 16x, तो हम क्या करते, किसी तरह 2 को अलग करते, 2 को अलग किया, एक्स लिखा, बच क्या गया, तो 2 8 16 होता है, जो बच गया वो 8 है। अब हम किसको मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पर, किसको ऐड करवाते हैं, 8 स्क्वायर को, जो बच गया उसके स्क्वायर को। लास्ट सवाल में भी हमने क्या किया है, लास्ट सवाल में भी यही किया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, लास्ट सवाल हमारे पास क्या था, उसमें पावर क्या बी मिड टर्म क्या बनी हुई थी, 2/7 बनी हुई थी, तो उसमें 2 खींच लिया, लेकिन क्या बच रहा था हमारे पास, 1/7 बच रहा था, तो 1/7 का होल स्क्वायर हमने बोथ साइड पे ऐड किया था, याद है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 2, इस वजह से हमने 2 का स्क्वायर को ऐड किया है बोथ साइड पे। अच्छा 2 का स्क्वायर ही क्यों किया, क्योंकि बेटा हमें फॉर्मूला बन करना था, बी का स्क्वायर चाहिए होता ना, तो हमारे पास बी क्या बनना था, 2, तो हमें बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, हमें 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, हमने 2 का स्क्वायर लिया और दोनों साइड पे ऐड इस वजह से करवाया ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अगर मैं यहाँ तरह ऐड नहीं करवाता, यहाँ पर ऐड करवाता सिर्फ, तो मतलब तुक्की नहीं बनती थी मतलब कुछ, ठीक है। ये तो मैथ्स का रूल ही नहीं कि हम एक साइड पे ऐड करवाएं, तो हमें दोनों तरफ ऐड करवाना पड़ता ताकि बैलेंस रहे, मल्टीप्लाई करवाना पड़ता तो बोथ साइड पर, माइनस करवाते तो बोथ साइड पे, ठीक है। यहां तक आपको बात क्लियर हुई, अब ये समझ में आया कि मैंने 2 स्क्वायर क्यों ऐड किए। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं। आगे ये सिलसिला है कि हमने फॉर्मूले को बंद कर दिया, x+2 का होल स्क्वायर बना दिया, इजिकल्स टू 1+2 का स्क्वायर 4, ठीक है बच्चों, x+2 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 1+4 5, ठीक है। नाउ रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब रूट यहां लगाया यहां से तो कट गए, अच्छा साइन आएगी प्लस माइनस की, याद रखिएगा ये बात, ये स्क्वायर रूट कट गए, x+2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। नाउ 2 यहां पे एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे 5, प्लस में वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो बेटा ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन गया। इसमें बेटा 2 आंसर आए हमारे पास, आप इसको ऐसे भी बॉक्स बना सकते हैं, x इजिकल्स टू 1 आंसर आपके पास प्लस में, प्लस यहां पर देखेंगे यहां तो माइनस ही आएगा हमेशा, और एक आंसर ये। ठीक है बच्चों, तो देखें यहाँ एक प्लस है यहाँ एक माइनस है, लेकिन यहाँ 2 के साथ दोनों में माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस जो है वो सिर्फ रूट 5 के साथ है, तो रूट 5 के साथ चेंज होगा, यहाँ हमारे 2 आंसर ये है, ठीक है। तो हमारे दूसरा सवाल यहाँ खत्म होता है बेटा, यहाँ देख लें आप कम्प्लीटिंग स्क्वायर इसे कहते हैं, ठीक है। हमारा टाइम खत्म होने वाला है क्लास का, तो यहाँ पर आप देख लें कि आपको कोई सवाल है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज डिस्कस करनी है, तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर के मजीद और सवालात करेंगे, ताकि आपके लिए आपको ज्यादा क्लियर हो जाए कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।